पूछिए। कैसे हो पंकज? मैं ठीक हूँ, मगर आप? अगर इजाजत हो तो क्या मैं बैठूं, या फिर तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बोर ही हो रहा था। तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना? आई एम सॉरी यार, पर मुझे सच में याद नहीं आ रहा। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तो पंकज थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, कॉलेज के दिनों को याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ याद आया, तुम कॉलेज में मेरी क्लासमेट थी ना यार, तुम तो बहुत बदल गई हो। तुम आज भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। एनीवे, मैं मोहिनी हूँ और कॉलेज में मैं तुम्हारी जूनियर थी। ओ हाँ, अब याद आया। देख रहे हो अपने दोस्त को? नहीं, खुद खुद की बातें कर रहा है, ऐसा लगे जैसे बरसों से जानता हूँ। अबे छोड़ना, तेरे को पता तो है उसका आज यहाँ कल वहाँ, वो किसी एक चीज पे टिकता कहाँ है। तुम एक बार हॉस्टल के रूम में भी आई थी ना? मैं आई नहीं थी, तुम मुझे लेकर गए थे। सॉरी यार, वो सब लड़कपन था। पर कैसी हो तुम, और अचानक से यहाँ? उस दिन के बाद से तुम एकदम गायब ही हो गई थी। अरे अरे रुको, इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो कैसे चलेगा? तो चलो एक एक करके बता दो, आई एम रियली एक्साइटेड कि इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें याद हूँ। तुम्हारा पता नहीं, मगर ये बात सच है, और इस बात को तुम भी जानते हो कि मैंने हमेशा दिल से तुम्हें चाहा था। तुम्हारा यहाँ आना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही बसता हूँ। दिलों में अक्सर वही बसते हैं पंकज, जिनका मन साफ होता है, और वो तो तुमने सुना ही होगा ना कि सुई में हमेशा वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ ना हो। मेरा यकीन करो, मेरे मन में कोई गांठ नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? मेरी यहाँ नौकरी लग गई है, और एक कंपनी में यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। देखो ना, मैं यहाँ किसी और से मिलने आई थी, वो तो मिला नहीं, मगर तुम मिल गए। देखा, इसे कहते हैं लक। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, अगर तुम किसी को पूरी शिद्दत से मिलना चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सही कहा, यहाँ कुछ ज्यादा ठंड नहीं है? हाँ ठंड तो है। तुम कहो तो किसी गर्म जगह चले? इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम यहाँ अकेले रहते हो, और तुम्हारी शादी हुई या नहीं? क्या करे, कोई तुम्हारी जैसी मिली नहीं। अब तो मिल गई ना, तुम्हारे पास पेन है? हाँ वो मेरे कोट की जेब में। ये मेरे घर का एड्रेस है, और मैं यहीं पास में वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? पंकज कुछ खाओ माफी की इजाजत नहीं देते। आई एम रियली सॉरी मोहिनी। कुछ तो बात है मोहिनी, तुम्हारा इस तरह मेरे पास आना, मेरे साथ बैठना, बातें करना, ये सब कुछ दर्शाता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत है, मरी नहीं। चाहत को जलाए रखना इंसान के बस की बात कहाँ? मतलब चाहत है ना। कुछ आदतें होती है इंसान की जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। तो मत छोड़ो, चाहत छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो बस पुरानी बातें भुलाने के लिए कह रहा हूँ। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। श्योर, तब तक मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अब ये मत बोलना कि तुम ड्रिंक नहीं करती। शेरी। ओके। ये तो पूरी पटाखा हो गई है। और गाइस क्या चल रहा है, फुल मस्ती? बस भाई। हाँ, मेरे लिए एक विस्की और हमारी गेस्ट के लिए एक सैरी। ओ, आपकी गेस्ट? तो जानते हो उससे पहले से? हाँ यार, कॉलेज में साथ ही थे, तभी से दोस्त है। अच्छा, गहरी दोस्ती, यू नो, पुरानी दोस्ती। और वैसे भी पवन, ये स्कूल कॉलेज के दोस्त जल्दी भुलाए भी तो नहीं जाते, थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे आपकी गेस्ट है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? वॉशरूम गई है। ओह, मैं तो समझ रही थी पहली मुलाकात है। पवन यहाँ तो पहले से ही मामला सेट है। मोना प्लीज, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत सीधी सादी लड़की है। हर लड़की सीधी सादी होती है, ये आप जैसे लड़के होते हैं पंकज जो लड़कियों को बिगाड़ देते हैं। और वैसे भी आप तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है इन सब कामों में।
ओ प्लीज प्लीज, अब तुम दोनों लड़ाई करके शाम मत खराब करो, ठीक है? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि आपकी सो कॉल्ड गहरी दोस्त वॉशरूम गई है, कहीं आपकी पुरानी तस्वीर तो नहीं है उसके पास, वहाँ रख के आरती उतार रही हूँ? नहीं मोना, विल यू प्लीज शट योर माउथ? ओके, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, बट टू बी ऑनेस्ट आधा घंटा हो चुका है, ऐसा ना हो अंदर चक्कर खा के बेहोश होके गिर गई हो, जाकर देख ले। हाँ पंकज, मोना ठीक कह रही है, एक बार देखा। यार मैं कैसे जा सकता हूँ, लेडीज वॉशरूम है। मोना एक बार तुम, हेलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम जाकर देखो, मैं क्या कहूंगी उसे? कुछ कहने को कौन कह रहा है, एक बार देख के तो आ सकती हो ना यार, कितना टाइम हो गया यार, टेंशन हो रही है, प्लीज एक बार देखो ना। ये सही कह रहा है मोना, एक बार तुम जाके देखो। तू बोल रहा है इसलिए जा रही, इसके कहने पे तो मैं कहीं ना जाऊं। थैंक यू। दिस मोना इज टू मच, पता नहीं तू कैसे झेलता है इसे। पता है हमारा ब्रेकअप भी इसके बिहेवियर की वजह से हुआ था। नहीं भाई, ब्रेकअप का कारण इसका बिहेवियर नहीं, तेरे इधर उधर मुंह मारने की आदत थी। ठीक है गुरुजी, आपकी शिक्षा सर माथों पर, I'm really serious about Mohini this time, यार। भाई तू इतना बड़ा फ्रॉड है, तेरी बातों से पता ही नहीं चलता कि तू कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। पर यार I'm really serious about this time। चलो मोना भी आ गई। वॉशरूम में कोई नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? कोई नहीं का मतलब कोई नहीं है, ज्यादा हो रहा है खुद जाकर देख ले। उसे तो बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। पवन सिर्फ यही एक रास्ता है बाहर जाने का। ये कैसे हो सकता है, अभी तो वो यहीं पे थी और हवा की तरह गायब हो गई, और वो तेरा कोड भी ले गई है साले। ये कोई मजाक की बात नहीं है पवन। तुम्हारी पुरानी दोस्त थी, गहरी सच्ची दोस्त, बातें तो बड़ा घुस घुस के कर रहे थे, ऐसा क्या कह दिया कि बिना बताए बाथरूम का धोखा देके मैडम अचानक गायब हो गई? यार मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने खुद मुझे अपना फोन नंबर और पता दिया था। अरे तुम मिल ली उसके पते पे जाके, और सॉरी यार हमें जाना पड़ेगा। ओ पंकज, तुम्हारी तो पूरी इवनिंग स्पॉइल हो गई। But don't worry, dude. Keep hunting. चलो वो ना हम चलते हैं, ठीक है? कमरा नंबर 302, वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल।